देखिए दोस्तों, आज हम काढ़ा बनाने के लिए जा रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, जिसके कारण लोगों को सर्दी खांसी, बड़े बूढ़े बच्चे जवान सभी को सर्दी खांसी हो रहे हैं। इसके लिए हम एक उपाय देखे हैं, ढूंढे हैं ये काढ़ा। इस काढ़ा को पीने से बिल्कुल ही आराम हो जाता है। इसको पीने से सर दर्द, बुखार और खांसी, देह हाथ में दर्द, बदन दर्द सारा दूर हो जाता है। इसीलिए हम आज इस काढ़ा का उपयोग कर रहे हैं, बनाने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये काढ़ा का सामान, ये सामग्री है। ये काढ़ा के लिए हम ये लिए हैं, ये है सिंघाड़ा फूल का पत्ता। यह है सिंघाड़ा फूल का पत्ता, ये सिंघाड़ा है, इसमें जो फूल फटता है वही फूल का पत्ता है सिंघाड़ा का। और ये लिए हैं काली तुलसी, ये है काली तुलसी, काली तुलसी। और ये लिए हैं हम लौंग, लौंग है ये 10-11 लौंग है, ये 21 मरीच है, ये थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी है, और ये जो है अदरक है, ये अदरक है एक टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, और ये छोटा टुकड़ा हल्दी है। ये हल्दी कच्चा हल्दी है, ये देखिए ये कच्चा हल्दी है, ये देखिए इसमें पेड़ भी निकल रहा है, यह कच्चा हल्दी है। और ये है शक्कर, देखिए तो ये शक्कर है, और ये भी तुलसी है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी दोनों है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी, यानी काली तुलसी और हरी तुलसी दोनों तुलसी है। और एक जग इसके लिए हम पानी लिए हैं। और ये अब देखिए, इस सारा सामग्री को हम खल में रख करके इसको कूट लेंगे। ये हल्दी जो है, ये हल्दी, इसको हम खल में रख के इसमें रख करके और कूट लेंगे। खल में इसको रख देते हैं, इसको चूरेंगे अच्छी तरह से। ये अदरक है, इसको भी इसमें रख करके और चूर देंगे। ये सारा सामग्री को हम इसमें रख करके, ये खड़ा ही रहेगा, ये सब खड़ा ही रहने देंगे। हल्दी और अदरक, इसको हम सारा को ये खल में रख कर इसको हम इसमें डाल दिए हैं, खल में रख दिए हैं। अब इसको हम कूट लेते हैं। दोस्तों ये जो है अदरक और हल्दी कुटा चुका है, और इसी में हम रख देते हैं मरीच, ये काली मरीच है, इसको रख देते हैं। ये रहा लौंग, इसको भी इसमें डाल देते हैं। ये रहा दालचीनी, दालचीनी इसको भी इसमें डाल देते हैं। और थोड़ा मोटा दरदरा, इसको थोड़ा सा कूट लेते हैं, थोड़ा सा इसको कूट लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो है थोड़ा ये चूर हो गया है, ज़्यादा इसको महीन नहीं करना है, ये हो गया है। अब इसको हम चले डालने के लिए। देखिए दोस्तों देखिए, इसको बनाने के लिए, इस काढ़ा को बनाने के लिए हम एक मिट्टी का बर्तन लिए हैं। ये देखिए, ये खाली बर्तन है, ये मिट्टी का बर्तन है, इसमें हम इसको बनाएंगे। मिट्टी का बर्तन में बनाने से यह बहुत फायदा होता है, इसीलिए हम मिट्टी के बर्तन में ही काढ़ा को बनाएंगे। अब हम काढ़ा को बनाने के लिए सारा सामग्री उसमें डाल रहे हैं। यह है सिंघाड़ा का पत्ता, सिंघाड़ा फूल का पत्ता इसमें डाल दे रहे हैं। ये है श्यामा तुलसी, ये रहा रामा तुलसी, ये रहा सारा सामग्री, वो जो दिखाए हैं आगे आपको हम सारा, वो ये सब सामान ये कूट करके इसमें डाल दे रहे हैं। अब इसमें हम शक्कर डाल रहे हैं,
ये है शक्कर, इस शक्कर को भी इसमें डाल देते हैं। अब इसमें इसके लिए हम एक जग पानी ले रहे हैं, ये पानी रहा, ये पानी एक जग इसमें दे दे रहे हैं। सारा सामग्री डाल दिए हैं, अब इसको अच्छे से हम ढक देंगे। देखिए दोस्तों, इसको हम ढक दिए हैं और ये चूल्हा जल चुका है, चूल्हा जला लिए हैं, अब ये बन रहा है। बने रहिए दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल गर्म हो रहा है, ये बन रहा है, इसको धीरे धीरे ना रहे हैं, ये देखिए खोल रहा है। ये पूरा खोल रहा है, देख लीजिए यह पूरा खोल रहा है। अब इसको खूब खोलने देते हैं और कितना पानी डाले हैं उसको जब तक आधा नहीं सूखेगा तब तक नहीं उतारेंगे। जब आधा हो जाएगा पानी, हाफ हो जाएगा, तब उतारेंगे। ये देखिए अब बन के तैयार हो चुका है, इसको देखिए अब ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। देखिए ये बिल्कुल अब ये काढ़ा बन के तैयार हो चुका है। इसको हम उतार लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये काढ़ा बनके तैयार हो चुका है पूरी तरह से। अब इसको हम निकाल लिए हैं। ये गर्म गर्म काढ़ा पिया जाता है, सर्दी खांसी शरीर में दर्द सब इससे आराम हो जाता है। इसको गर्म करके और दो तीन दिन इसको चला सकते हैं, एक बार बनाने के बाद दो चार दिन अच्छे से गर्म करके पी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, बने रहिए।